हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन और पावर ग्रिड के बारे में। दोनों ही कंपनियां ट्रांसमिशन सेक्टर में अपना व्यवसाय करती हैं, और एक प्राइवेट सेक्टर से आती है, दूसरी जो है कंपनी पावर ग्रिड वो सरकारी क्षेत्र से आती है। और आज हम लोग इसके विभिन्न फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड रेशियो के आधार पर इन दोनों स्टॉक का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रांग है और किस स्टॉक में हम लोग निवेश की राय बना सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम लोगों को अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा और हम लोग अपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसको भी समय के साथ प्रोटेक्ट कर पाएंगे और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक भी करें और अपने परिचितों के बीच में इसको शेयर भी करें। और अगर आपको और भी जानकारी कुछ चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, जो कि इस वीडियो के नीचे में दिख रहा है आपको, वहां पर जाकर के आप अपना कमेंट भी डालिए। वीडियो बनाना काफ़ी मेहनत का काम होता है, और चूंकि आप इसे देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट भी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि मेरा भी विश्वास बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। और इस एनालिसिस में अगर हम लोग पैरामीटर्स की बात करें, कौन कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पी रेशियो, 5 ईयर्स पी रेशियो के एवरेज, डेट इक्विटी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 ईयर्स रेवेन्यू ग्रोथ, 5 ईयर्स नेट प्रॉफिट ग्रोथ, 3 ईयर्स रेवेन्यू ग्रोथ और 3 ईयर्स नेट प्रॉफिट ग्रोथ के आधार पर आज हम लोग इन दोनों स्टॉक का रैंकिंग करेंगे। और जिनके रैंकिंग अच्छे आएंगे उसे फुल मार्क्स 1 दिया जाएगा, और जिनके रैंकिंग खराब आएंगे उसका फुल मार्क्स 0 दिया जाएगा। और उसके आधार पर हम लोग सबसे पहले रैंकिंग निकालेंगे, उसके बाद फुल मार्क्स निकाल करके ये देखेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंकिंग करना। यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग देखें कि नेट प्रॉफिट मार्जिन अदानी ट्रांसमिशन का 6.18% दिख रहा है, जबकि पावर ग्रिड का ये लगभग 29% देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग रैंकिंग दें तो हम लोगों को इस आधार पर पावर ग्रिड को रैंक 1 देना चाहिए और अदानी ट्रांसमिशन को रैंक 2 देना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अदानी ट्रांसमिशन को 2 रैंक दिया है, पावर ग्रिड को 1 रैंक दिया है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर देखें तो अदानी ट्रांसमिशन का रिटर्न ऑन इक्विटी 14.21% देखने को मिल रहा है, जबकि पावर ग्रिड का 17% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों पावर ग्रिड बाजी मार जाती है, और पावर ग्रिड को हम लोग 1 रैंक देंगे जबकि अदानी ट्रांसमिशन को 2 रैंक देंगे। अब चलिए दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि अदानी ट्रांसमिशन का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.57 देखने को मिल रहा है, जो कि पावर ग्रिड के 10.32% से ज़्यादा है। इसलिए हम लोग अदानी ट्रांसमिशन को 1 मार्क्स देंगे और पावर ग्रिड को 2 मार्क्स देंगे। अब दोस्तों, अगर पी रेशियो के आधार पर देखें तो हम लोग देख रहे हैं अदानी ट्रांसमिशन का पी रेशियो 35.23 देखने को मिल रहा है, जबकि पावर ग्रिड का पी रेशियो 8.78 है। यानी कि पावर ग्रिड एक सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर रही है, इसलिए पावर ग्रिड को हम लोग 1 मार्क्स देंगे और अदानी ट्रांसमिशन को 2 मार्क्स देंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर 5 ईयर्स पी एवरेज को देखा जाए तो 5 ईयर्स पी एवरेज में अदानी ट्रांसमिशन 39.26 इनका पी देखने को मिल रहा है, जबकि पावर ग्रिड का 12.86 देखने को मिल रहा है। इस आधार पर हम लोग पावर ग्रिड को
एक मार्क्स और अदानी ट्रांसमिशन को 2 मार्क्स देंगे। डेट इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि अदानी ट्रांसमिशन का डेट इक्विटी रेशियो 4.51 टाइम्स देखने को मिल रहा है, जबकि पावर ग्रिड का 2.14 टाइम्स देखने को मिल रहा है। इस प्रकार दोस्तों पावर ग्रिड का डेट इक्विटी रेशियो बेहतरीन देखने को मिल रहा है, इसलिए पावर ग्रिड को हम लोग 1 मार्क्स देंगे और अदानी ट्रांसमिशन को 2 मार्क्स देंगे। अब प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर अगर देखें दोस्तों, तो अदानी ट्रांसमिशन का प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 4 के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि पावर ग्रिड का 1.29 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों अदानी ट्रांसमिशन एक महंगा स्टॉक है, इसलिए उसे 2 मार्क्स देंगे और पावर ग्रिड को 1 मार्क्स देंगे। अब दोस्तों अगर इंटरेस्ट कवरेज के आधार पर देखा जाए, तो अदानी ट्रांसमिशन का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.6 है, जो कि बेहद ही खराब है, जबकि पावर ग्रिड का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.34 देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों पावर ग्रिड को हम लोग 1 मार्क्स देंगे और अदानी ट्रांसमिशन को 2 मार्क्स देंगे। अब अगर दोस्तों हम लोग रिवेन्यू की बात करें कि इनका रिवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 साल में किस प्रकार का रहा है, तो यहाँ पर अदानी ट्रांसमिशन पिछले 5 साल में 144% के रेट से बढ़ी है, जबकि पावर ग्रिड 16.56% से बढ़ी है। यानी कि अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग मार्क्स की बात करें, तो अदानी ट्रांसमिशन यहाँ पर 1 मार्क्स के साथ 1 नंबर पर आती है, 2 नंबर पर पावर ग्रिड आती है। अब दोस्तों इसी प्रकार अगर हम लोग नेट प्रॉफिट के आधार पर देखें, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि नेट प्रॉफिट के आधार पर अदानी ट्रांसमिशन को हम लोग 1 मार्क्स देंगे और पावर ग्रिड को 2 मार्क्स देंगे। अब अगर दोस्तों 3 साल के रेवेन्यू ग्रोथ के आधार पर देखें, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अदानी ट्रांसमिशन का 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 58% रहा है, जबकि पावर ग्रिड का 13.67% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग मार्क्स दें, तो अदानी ट्रांसमिशन को 1 मार्क्स मिलेगा और पावर ग्रिड को 2 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, तो अदानी ट्रांसमिशन पिछले 3 साल में इनका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो लगभग 19.5% देखने को मिल रहा है, जबकि पावर ग्रिड का लगभग 13% देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी अदानी ट्रांसमिशन को 1 मार्क्स देंगे और पावर ग्रिड को 2 मार्क्स देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने दोनों ही कंपनियों का रैंकिंग यहाँ पर निर्धारित कर लिया है, और अब हम लोग दोस्तों इनका मार्क्स देंगे, जिसके आधार पर हम लोग फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों जिस कंपनी का जिस पैरामीटर में नंबर 1 पोजीशन रहा है, उसे हम लोग फुल मार्क्स देंगे, और जिसका जो नंबर 2 रहा है उसे 0 मार्क्स देंगे। तो चलिए दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन के आधार पर अगर हम लोग देखें, तो अदानी ट्रांसमिशन को 0 मार्क्स मिलता है, जबकि पावर ग्रिड 1 मार्क्स ला करके अव्वल नंबर पर आती है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग सारे पैरामीटर में अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों अदानी ट्रांसमिशन और पावर ग्रिड को कि इनका मास कितना आया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी में अदानी ट्रांसमिशन 0 लाई है मार्क्स, पावर ग्रिड 1 नंबर पर है, पी रेशियो के आधार पर 1 नंबर पर पावर ग्रिड आती है। इस तरह इनका पूरा मार्क्स यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया है। अब अगर हम लोग इनका सम करें, तो हम लोग देख रहे हैं कि अदानी ट्रांसमिशन का कुल मार्क्स 4 आया है, जबकि पावर ग्रिड का 7 आया है। इस प्रकार से दोस्तों 7 नंबर के साथ पावर ग्रिड 1 नंबर की कंपनी बन जाती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके विभिन्न फाइनेंशियल पैरामीटर के आधार पर ये हम लोग जान पाए कि अदानी ट्रांसमिशन और पावर ग्रिड, अगर इन दोनों स्टॉक में से अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट की राय बनानी चाहिए, तो पावर ग्रिड 1 नंबर की स्टॉक निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह का क्वेरी पूछने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके आप क्वेरी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। और
आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।